नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर रीजनली एक स्टडी रिपोर्ट पब्लिश हुआ था अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में रिपोर्ट के हिसाब से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाने से प्री मेच्योर डेथ होने का चांसेस ज़्यादा है प्री मेच्योर डेथ मतलब क्या होता है देखिए ह्यूमन बींग का एक एवरेज एज ऑफ डेथ होता है बेसिकली एक लाइफ स्पैन होता है उससे पहले कुछ अननेचुरल नेचुरल की वजह से जब डेथ होता है उसे आप प्री मेच्योर डेथ बोल सकते हैं तो रिपोर्ट ये कह रहा है दोस्तों अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाने से प्री मेच्योर डेथ होने का चांसेस ज्यादा है तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स मतलब क्या होता है ये कंज्यूम करने से क्या क्या हेल्थ इंपैक्ट्स हो सकता है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में रिपोर्ट में क्या बताया है वो भी देखेंगे तो सबसे पहले प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं उससे पहले अनप्रोसेस्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स क्या होता है यह समझना जरूरी है देखिए अनप्रोसेस्ड फूड्स माने जिन फूड्स में बिल्कुल प्रोसेसिंग जो नहीं होता है मेरा कहने का मतलब है जिन फूड्स में वाइटमिन एंड न्यूट्रिएंट्स एकदम इंटैक्ट रहता है या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जो फूड्स एकदम नेचुरल और नियरली नेचुरल स्टेट में रहते हैं तो ये अनप्रोसेस्ड फूड्स में किसी भी तरह का प्रोसेसिंग नहीं होगा लाइक ड्राइंग क्रशिंग रोस्टिंग बॉइलिंग फ्रीजिंग पश्चराइजेशन एक्सेट्रा अनप्रोसेस्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स के एग्जाम्पल्स हैं कैरेट्स एप्पल्स रो चिकन मेलन रो अनसोल्टेड नट्स एक्सेट्रा मतलब समझ गया ना जो नेचुरल स्टेट में रहते हैं उसे आप अनप्रोसेस्ड फूड्स बोल सकते हैं नाउ प्रोसेस्ड फूड्स क्या है दोस्तों देखिए प्रोसेसिंग करने से एक फूड नेचुरल स्टेट से बदल जाएगा प्रोसेसिंग कैसे करते हैं उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं ऑयल ऐड करते हैं शुगर और अदर सब्सटेंसेस वगैरह ऐड करते हैं फॉर एग्जाम्पल कैंड फिश और कैंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स इन सिरप फ्रेशली मेड ब्रेड्स ये सारे प्रोसेस्ड फूड्स का एग्जाम्पल है दोस्तों इस तरह प्रोसेस करने से क्या होगा उसे कंज्यूम करने के लिए सेफ रहेगा ऊपर से ज्यादा टाइम तक स्टोर कर सकता है तो इस तरह स्टोर करना है तो उसे प्रोसेस करना पड़ेगा बेसिकली उसमें दो तीन इंग्रेडिएंट्स और ऐड करना होगा समझ गए नाउ हाईली प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या होता है दे मोस्ट लाइकली हैव मेनी एडेड इंग्रीडियंट्स तो बेसिकली एडेड इंग्रीडियंट्स और ज्यादा होगा लाइक शुगर सॉल्ट फैट आर्टिफिशियल कलर्स और प्रिजर्वेटिव तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में बेसिकली फूड्स फैट्स स्टार्चेस एडेड शुगर्स हाइड्रोजेनेटेड फैट्स वगैरह रहेंगे इसके अलावा आर्टिफिशियल कलर्स फ्लेवर्स स्टेबिलाईजर्स ये सब भी रहेंगे ठीक है इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फ्रोजन मील्स हो गया सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया हॉट डॉग्स कोल्ड कट्स फास्ट फूड पैकेज कुकीज केक्स सोल्टी स्नैक्स एक्सेट्रा तो ये प्रोसेस्ड फूड से कैसे अलग है क्योंकि इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं दोस्तों ठीक है अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये मिनिमली प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड के बीच में डिफरेंसेस क्या है कौन का एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों कॉन जो है एकदम नेचुरल स्टेट में है जब वो नेचुरल स्टेट में रहेगा उसे आप मिनिमली प्रोसेस्ड फूड बोल सकते हैं जब उसे आप कैंड कॉर्न में बदल दोगे तब वो क्या होगा प्रोसेस्ड होगा जब उसे आप कॉर्न चिप्स में बदल दोगे ना तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो गया वैसे ये जो कॉर्न चिप्स है ये भी कॉर्न है पर इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हो गया समझ रहे हो ना नाउ एप्पल एप्पल को जब आप एप्पल आप जूस में बदल दोगे तो उसमें आप क्या ऐड करते हो थोड़ा मोटा फ्लेवर ऐड करते हो शुगर तो पक्का ऐड करना है तो ये प्रोसेस्ड हो गया जब आप उसे एप्पल पाई में बदल दोगे तब वो क्या होगा अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो गया पोटैटो देखिए पोटैटो को आप जब बेक करोगे तो ये प्रोसेस्ड हो गया जब उसे आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाओगे उसमें और कितने इन्ग्रीडियंट्स आपने ऐड किया तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो गया कैरेट को कैरेट जूस में बदलने से प्रोसेस हो गया फिर कैरेट केक बनाने से अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो गया वीट को फ्लोर में बदलने से प्रोसेस्ड हो गया फ्लोर को कुकीज में बदलने से अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स ज्यादा कंज्यूम करने से हेल्थ इंपैक्ट्स बहुत हैं जैसे कि हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज कोरोनरी हार्ट डिसीज सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज एक्सट्रा वैसे देखा जाएगा तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में न्यूट्रिशनल क्वालिटी और ज्यादा होगा पर ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी का जो पॉजिटिव साइड है उसे आप माइनस भी करोगे तभी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का जो हेल्थ इंपैक्ट है वो ज्यादा है तो ये जो न्यू स्टडी रिपोर्ट आया दोस्तों इन्होंने एक लिंक फाइंड आउट किया है बिटवीन द राइसिंग कंसप्शन ऑफ हाईली प्रोसेस्ड फूड्स सच एस स्लाइसड व्हाइट ब्रेड शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड प्रीमेच्योर प्रिवेंटेबल डेथ तो बेसिकली ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड या हाईली प्रोसेस्ड फूड्स कंज्यूम करने से प्री डेथ होने का चांसेस ज़्यादा है इस तरह ये स्टडी रिपोर्ट ने बोला है वैसे जिन्होंने ये स्टडी कंडक्ट किया वो ब्राज़ील में कंडक्ट किया 2019 में ब्राज़ील में जितने डेथ्स रिपोर्ट हुआ था उसके साथ कंपैरिजन किया तो उनको ये पता चला अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कंट्रीब्यूटेड टू मोर देन 10 परसेंट ऑफ ऑल प्री डेथ तो बेसिकली तो ब्राज़ील में 2019 में जितने प्री डेथ हुआ उसमें से टेन परसेंट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के कारण हुआ अगर नंबर्स देखोगे तो इन 2019 ब्राजील में 57,000 सेवन थाउजेंड प्री मेच्योर डेथ हुआ दोस्तों अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के कंसप्शन की वजह से साइंटिस्ट का कहना यह है दोस्तों अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में प्रोटीन एंड फाइबर कंटेंट काफी कम है एंड हेविली एडेड शुगर फैट एंड सॉल्ट है फॉर एग्जाम्पल बेक्ड स्नैक्स हो गया रेडी टू ईट मील्स जो मिलते हैं आजकल मार्केट में फ्रोजन पिज्ज़ा शुगरी ड्रिंक्स सीरियल्स एक्सेट्रा इसे काफ़ी सारे एडवर्स हेल्थ कंडीशंस हो सकते हैं दोस्तों जैसे कि ओबिसिटी डिमेंशिया कैंसर एक्सेट्रा तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का सबसे ज़्यादा कंसेप्शन देखने को मिला है हाई इनकम कंट्रीज़ में सच सचास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड किंगडम कैनेडा एक्सेट्रा उथर के पॉपुलेशन का हाफ ऑफ द टोटल कैलोरिक इंटेक जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से आता है मतलब आप समझ रहे हो ना दोस्तों देखिए खाना खाने से हमें क्या मिलता है एनर्जी मिलता है एनर्जी को कैलोरीज में काउंट होते हैं तो इनको जो एनर्जी मिलता है ना फूड से उसका 50 परसेंट तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से आता है तो साइंटिस्ट का कहना यह है मल्टीपल इंटरवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ मेशे रिक्वायर्ड है ग्रोइंग कंसेप्शन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को रिड्यूस करने के लिए नहीं तो हम कोई बचने वाला नहीं है एंड दिस मेशेस इंक्लूड फिजकल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ फॉर चेंजिंग फूड एनवायरमेंट्स तो बेसिकली जो एक्शन लेना होगा वो गवर्नमेंट्स को लेना होगा उनकी तरफ से फिजकल एंड रेगूलेटरी पॉलिसीज ले कर आना होगा हमारे फ़ूड एन्वायरमेंट्स को चेंज करने के लिए और गवर्नमेंट की तरफ से फ़ूड बेस्ड डायट्री गेट लाइन इशू करना होगा और उसके इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रेंदन करना होगा साथ, -साथ में कंज्यूमर नॉलेज को इम्प्रूव करना है उनके एटीट्यूड एंड बिहेवियर को भी चेंज करना होगा बेसिकली लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना होगा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का प्रोसेस काउसेंड नाइन टू ट्वेंटी तो देखिए अगर दस से पचास परसेंट भी यूपीएफ कंसेप्शन रिड्यूस करेंगे तो केवल ब्राजील में फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड से लेकर ट्वेंटी थ्री हंड्रेड तक प्री मेच्योर डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं ये केवल ब्रासील का डाटा तो यही डाटा आप बाकी जगहों से इजिली कंपेयर कर सकते हो तो दोस्तों फॉर्चुनेटली इंडिया एक हाई इनकम कंट्री नहीं है इसलिए हमारे जो फूड एनवाट है उतना अल्ट्रा प्रोसेस्ड नहीं हुआ है जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज में है पर देखिए आजकल यही देखने को मिला है दोस्तों लोग जो है ज्यादा जंक फूड्स के पीछे है ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के पीछे तो हमें भी यही समझना होगा दोस्तों अभी से अगर कंट्रोल नहीं करेंगे बाद में वही हाल हमारा भी हो जाएगा जैसे कि ब्राजील का है या फिर हाई इनकम कंट्रीज का होने वाला है सो ईट राइट एंड ईट सेफ थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय। हैव है डे।